इंदौर टेस्ट मैच जीतने के बाद जोश में लबरेज ऑस्ट्रेलियाई टीम को बड़ा झटका लगा है। ऑस्ट्रेलियाई टीम के कोच एंड्रयू मैकडोनाल्ड ने बताया है कि टीम के कप्तान पैट कमिंस शायद भारत के खिलाफ चौथे टेस्ट मैच के लिए भी भारत नहीं लौटेंगे। दिल्ली टेस्ट के बाद पैट कमिंस की मां की तबीयत खराब होने की वजह से ऑस्ट्रेलिया वापस चले गए थे। इंदौर में उनकी जगह स्टीव स्मिथ ने टीम की कमान संभाली थी। भारत में वुमेन्स प्रीमियर लीग की शुरुआत हो चुकी है। ओपनिंग सेरेमनी में कई बॉलीवुड के सितारों ने शिरकत की, जिसमें कियारा आडवाणी, कृति सैनन और एपी ढिल्लो ने अपनी परफॉर्मेंस से चार चांद लगा दिए। मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में ओपनिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया था, जिसमें बीसीसीआई सचिव जय शाह भी मौजूद रहे। इंदौर टेस्ट में 9 विकेट की करारी हार झेलने के बाद चौथे टेस्ट के लिए टीम इंडिया में बड़े बदलाव हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक चौथे टेस्ट में मोहम्मद शमी की टीम में वापसी हो सकती है। दूसरी ओर तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को चौथे टेस्ट मैच के लिए आराम दिया जा सकता है। आपको बता दें कि तीसरे टेस्ट के दौरान सिराज के अंगूठे में चोट लग गई थी। जसप्रीत बुमराह की चोट से बड़ा सबक लेते हुए बीसीसीआई ने बड़ा कदम उठाते हुए लिया फैसला। आईपीएल के दौरान कई खिलाड़ियों की फिटनेस पर नजर रखेगा बोर्ड। भारतीय टीम अगर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाती है तो सख्त कदम उठा सकता है बीसीसीआई। आईपीएल के दौरान रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर और शमी जैसे खिलाड़ियों पर रहेगी बीसीसीआई की नजर। भारतीय सलामी बल्लेबाज विराट कोहली अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ उज्जैन के महाकाल मंदिर पहुंचे, जहां दोनों ने महाकाल की भस्म आरती में हिस्सा लिया। वहीं इस दौरान विराट कोहली माथे पर चंदन, गले में रुद्राक्ष की माला और धोती पहने हुए दिखाई दिए। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज का चौथा और निर्णायक मुकाबला 9 मार्च से अहमदाबाद में खेला जाएगा, लेकिन इस मुकाबले से पहले फैंस के लिए बुरी खबर सामने आ रही है। दरअसल चौथे टेस्ट में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथोनी अल्बनीज विश्व क्रिकेट के सबसे बड़े स्टेडियम में मैच देखने के लिए तैयार है। इस वजह से चौथे टेस्ट के पहले दिन के खेल के कुछ टिकट लॉक कर दिए गए हैं। भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह सर्जरी के लिए पूरी तरह तैयार हैं। बुमराह सर्जरी के लिए न्यूजीलैंड पहुंच चुके हैं। सर्जरी के बाद भारत के तेज गेंदबाज को 20 से 24 हफ्ते के रिहैब का सामना करना पड़ेगा। बुमराह का ऑपरेशन वही डॉक्टर करेंगे जो पूर्व में जोफ्रा आर्चर के साथ काम कर चुके हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक ने अपनी टीम के साथी खिलाड़ी विराट कोहली की तारीफ की है। दरअसल आरसीबी पॉडकास्ट सीजन 2 पर बोलते हुए कार्तिक ने खुलासा किया है कि मैदान पर और बाहर इतना कुछ हासिल करने के बावजूद विराट कोहली जमीन से जुड़े इंसान हैं। उनकी ये खूबी उन्हें जिंदगी के सभी क्षेत्रों में चैंपियन बनाती है। हॉकी इंडिया भारतीय पुरुष हॉकी टीम के नए कोच के नाम की घोषणा कर दी है। हॉकी इंडिया ने बताया कि दक्षिण अफ्रीका के क्रेग फुल्टन मुख्य कोच की जिम्मेदारी संभालेंगे। भारत 10 मार्च से FIH हॉकी प्रो लीग में उतरेगा। उससे पहले फुल्टन के नाम पर मोहर लगी है। 48 वर्षीय कोच के सामने टीम इंडिया को एकजुट करने की चुनौती होगी। पूर्व कप्तान इयान चैपल का मानना है कि तीसरे टेस्ट में यहां पहले दिन भारत को टर्न और असमान उछाल लेती पिच पर पहली पारी में सत्ते से निपटाना ऑस्ट्रेलिया के भाग्य पलटने में अहम साबित होगा। भारतीय टीम तीसरे टेस्ट की दोनों पारियों में 109 और 163 रन पर सिमट गई, जिससे ऑस्ट्रेलिया ने 9 विकेट की जीत से विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में अपना स्थान पक्का किया।